यूपी सरकार ने पर्यटकों को विवादित सलाह देते हुए कहा है कि वो घूमने निकले तो बाहरी लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करें और ऑपोजिट सेक्स वालों से हाथ तो बिल्कुल ही ना मिलाएं और धार्मिक स्थलों पर सलीकेदार कपड़े पहनकर जाएं। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा भी टूरिस्टों को स्कर्ट ना पहनने की सलाह दे चुके हैं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ बलोच नागरिकों ने जर्मनी में प्रदर्शन किया और दुनिया के देशों से पाकिस्तान के अत्याचारों पर दखल देने की मांग की। बलूचिस्तान के लोगों के मुताबिक 15 अगस्त को पीएम मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान उनकी आवाज़ दबाने के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कई जलाशयों में जहर भी मिला दिया है। भारत और अमेरिका ने एक साथ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वो अपनी धरती पर आतंकवाद को पना देना बंद करें। दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान जल्द आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पठानकोट और मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे। जॉन कैरी ने भी कहा कि आतंक के मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ है। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी की सूझबूझ से जिस कैमरामैन की जान बची उसके परिवार ने मोदी को शुक्रिया कहा है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इतने अलर्ट थे, उन इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसा हो सकता है तो उनको हटने के लिए कहा। ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतनी सारी जनता, इतने लोगों के बीच उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, ये बहुत। घटना कल सोनी परियोजना के उद्घाटन के मौके की है, जब पीएम मोदी ने डैम के तेज बहाव को देखते हुए वहां से कुछ दूर खड़े कैमरामैन को फौरन हटने के लिए कहा था। पीएम के इशारे के बाद कैमरामैन फौरन वहां कैमरा छोड़कर हट गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में ट्राइपॉड समेत कैमरा पानी में डूब गया। हैलेट अस्पताल की लापरवाही से 12 साल के अंश की मौत के मामले में कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सीएम अखिलेश यादव ने डीएम को फटकार लगाते हुए पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। घटना सोमवार की है, जब 12 साल के बीमार बच्चे का पिता अस्पताल में उसे कंधे पर रखकर दौड़ता रहा, लेकिन बच्चे को ना स्ट्रेचर मिला और ना ही इलाज। जी न्यूज पर एक खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। हैदराबाद के एक नामी प्राइवेट स्कूल ने 7 बच्चों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनके परिवार ने फीस बढ़ोतरी पर सवाल उठाए थे और स्कूल के फैसले के खिलाफ मुहिम चलाई थी। गाजियाबाद में भी 8वीं क्लास की बच्ची को बीच सेशन से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पिता ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। आतंकी संगठन आईएस का प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी सीरिया में मारा गया है। आईएस से जुड़ी समाचार एजेंसी अमाक न्यूज के मुताबिक अलप्पो में चल रही सैन्य कार्रवाई में अदनानी की मौत हुई। अमेरिका ने अदनानी पर $50,000 का इनाम रखा था। अदनानी ने मुस्लिमों से यूरोप के देशों में अकेले हमले करने की अपील की थी। बिहार में बाढ़ से 5 और मौतों के बाद मरने वालों की तादाद 165 हो गई है। वहीं बिहार में बाढ़ से 12 जिलों के 38 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में 664 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहां करीब 4 लाख लोग रह रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 2800 बोट लगाई है। भारतीय सेना ने जम्मू के राजौरी में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी, मगर इस दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में लांस नायक राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना इस बात की भी जाँच कर रही है कि लांस नायक आतंकियों के हमले में शहीद हुए या फिर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग की। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में सबसे बड़े वनडे स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टेनब्रिज में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए तीसरे वनडे मैच में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर इंग्लैंड ने 444 रन बनाए, जो वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 275 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने मैच 159 रनों से जीता।